स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। ओ भैया, आप किसी अंधविश्वास के बारे में बता रहे थे। कैसा अंधविश्वास भैया? हमारे यहाँ पर लोग कहते हैं कि शाम के समय पर यहाँ पर जलपरी नाम के जीव जंतु आते हैं, सूरज ढलने पर वो ऊपर आते हैं और फिर गहरे पानी में वापस चले जाते हैं, और उन्हें इस समय कोई डिस्टर्ब करे तो बैड लक होता है। अब बताओ, आजकल के जमाने में भी इन सब बातों पर लोग यकीन करते हैं? बर्दाश्त कर सकता है लेकिन उसे बुझा नहीं सकता, और परछाई लोग में आग पर काबू पाना आसान नहीं है। क्या? मुझे तो लगता है कि कहीं इस आग की वजह से अंश भी कमजोर न पड़ जाए। बाबा, अंश वहाँ कुछ नहीं कर सकता, जो भी करना है हमें करना है। जल्दी बताइए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन पिया, हम अंश तक डायरेक्ट को बुलाने वाली बात पहुंचाएंगे कैसे? आधी आधी आदि जब मेरे पेट में था तब वो मेरी बात सुन सकता था। आदि, आदि बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पापा तक मेरी आवाज नहीं पहुंच सकती, तुम मेरी बात सुन सकते हो, इसलिए ध्यान से सुनो। सिर्फ डायन वृक्ष तुम्हें और पापा को वापस ला सकता है, और ये बात तुम्हें तुम्हारे पापा तक पहुंचानी है। बेटा, पापा से कहो डायन वृक्ष को बुलाए। डायन वृक्ष! आदि बेटा, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? डायन वृक्ष को बुलाओ जल्दी। अगर अंश और मुन्ना के बाहर आने से पहले शीशे का ये आखिरी टुकड़ा भी गिर गया तो फिर कभी वो दोनों शीशे के अंदर हमेशा के लिए फंस जाएंगे। निशान जी, अब क्या? अंश और मुन्ना तो अब वहीं रह गए। कहीं अंश और आदि परछाई लोग भी तो नहीं फंस गए? नहीं, नहीं, सब मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से। ऐसा कुछ नहीं है माँ, आपकी कोई गलती नहीं है, आप मत रोइए प्लीज। मुझे पूरा विश्वास है, अंश और आदि बिल्कुल ठीक है। तुझे कैसे पता भैया, तुमने देखा कांच टूट गया, मेरी गलती है, सब मेरी गलती। बस पता है माँ,
जानता था आप लोग हमें जरूर वहां से निकाल लेंगे। हाँ जी। तुमने मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए। तुमने मुझसे कहा था कि तुम शादी के बाद बता दोगी कि पापा की मौत की वजह क्या थी, फिर तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो मैम? इस चेन के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, वरना घनघोर सुंदर जगह है और कितनी शांति है ना यहाँ पर। हाँ, और भीड़ भी नहीं है। अंश, इसलिए ये मेरी फेवरेट जगह है। मैं यहाँ पहले बहुत आया करता था, बहुत सुकून मिलता था मुझे यहाँ। तो क्यों आना बंद कर दिया? क्या है, ये अंश की शादी हो गई है और शादी के बाद आदमी का सुकून से रिश्ता टूट जाता है। अरे, आपका सुकून तो मैं तोड़ती, चलो घर। वैसे चैताली, तुम्हारा ये पिकनिक का आइडिया है बहुत अच्छा है ना, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। चीयर्स। इतना सब कुछ हो जाने के बाद फैमिली की आउटिंग जरूरी थी। अगर बच्चे भी आते तो कितना मजा आता ना, ये तो उनके एग्जाम्स चल रहे थे। माँ देखिए ना, आदि पानी को देखकर कितना खुश हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी पानी में कूद जाए। अरे अरे, हमारा आदि तो वाटर बेबी है, वाटर बेबी है ना आदि। नहीं नहीं, इसमें कुछ है। जो हुआ उसे तो यही लगता है कि हमारे पास राक्षस कील थी और हम उस राक्षस को मारने गए थे, पर उल्टा उसी ने हमें बर्फ बना दिया और हमारी मेमोरी इरेज कर दी और राक्षस कील भी लेकर भाग गया। हाँ जी बताइए। प्रोफेसर निशांत है क्या? प्रोफेसर साहब तो नहीं है, आप बताइए आपको क्या काम है? फॉर्म हम जमा करने आए हो? फॉर्म हम भरना है तो डेट निकल चुका है। ठीक है, चलिए। आदि पहली बार समंदर में भी जाएगा और पहली बार बोट में भी बैठेगा, है ना? मैं भी। चेताली, तुम आज तक कभी नाव में नहीं बैठी? कहाँ बैठूं, हमारे घर के ड्राइंग रूम में। आप कभी मुझे किसी समुद्र वाली जगह में घुमाने लेके गए जो मुझे नाव में बैठने का मौका मिले? चेताली चेताली, आज जाएंगे ना, आज बैठाएंगे। छोड़ो ना चेताली। अरे भाभी, कभी कभी तो हाथ में आते हैं। अरे वो नाव वाला कहाँ गया? हेलो, हाँ मालिक, चले। ए बाबा, थाम जा रहा, ए काय कर तो? काका क्या बोल रहे? अरे कुछ नहीं साहब, रोज का मचमच है, उम्र हो गई है ना। कहाँ जा रहा है, थाम ले रहा? काय जाले काका? ए काय कर तू, तुझे मालूम है ना सूरज ढलने वाला है, फिर इसे शाम के वक्त में तू नाव पानी में लेके जा रहा क्यों? अरे जाओ ना काका, टाइम की खोटी मत करो ना। धंधा अपनी जगह पर, तुझे तो सब मालूम है ना। अरे चाचा निगा, तुम ही जाओ ना चाचा। इतना खतरा है, जब जगह तब मालूम पड़ेगा इसको। ओ भैया, आप किसी अंधविश्वास के बारे में बता रहे थे? कैसा अंधविश्वास भैया? हमारे यहाँ पर लोग कहते हैं कि शाम के समय पर यहाँ पर जलपरी नाम के जीव जंतु आते हैं, सूरज ढलने पर
वो ऊपर आते हैं और फिर गहरे पानी में वापस चले जाते हैं, और उन्हें इस समय कोई डिस्टर्ब करे तो बैड लक होता है। अब बताओ, आजकल के जमाने में भी इन सब बातों पर लोग यकीन करते हैं? लेकिन ये बातें सच हुई तो? अरे मैडम, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, आप टेंशन ना लें। भाभी चिताली, अरे डरने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी। कब तक आएंगे? तुम्हें उनसे क्या काम है? मुझे उनकी रिसर्च के बारे में बात करनी है। ओ, वो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पे जो रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में ना? नहीं, अलौकिक शक्तियों के बारे में। तुम्हारा माथा आधा भिनभिनाया हुआ का? ये होली में भांग वांग ज्यादा पी लिए हो कि अभी तक उतरी नहीं है? अलौकिक शक्तियां? अरे कोई अलौकिक शक्तियां नहीं है यहाँ पे। प्रोफेसर साहब सिर्फ बच्चों को पढ़ाते हैं, इससे ज्यादा कछु नहीं है यहाँ। जानता हूँ कि वो प्रोफेसर है, और ये भी जानता हूँ कि वो रीवावंशी है। देखो, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि आप लोग रीवावंशी है। मुझे प्लीज बताइए कि प्रोफेसर निशांत कब आएंगे? पता नहीं, तुम बाहर रुको, जब वो आ जाएंगे हम तुम्हें बता देंगे। हाँ ब्रो, तुम जाओ, हम तुमको इत्तला करेंगे। जाओ। हेलो। हेलो, इतना खुश क्यों हो रहे हो? अबे तुम सुनी नहीं, उसने क्या बोला? क्या बोला? कि वो डैड से मिलना चाहता है, उसमें इतनी खुश होने वाली क्या बात है? अबे उसने हमको रीवावंशी बोला, वो पहला शख्स है जिसने हमको रीवावंशी बोला है। बहुत प्राउड फील कर रहे हैं हम। रीवावंशी बोलने से कोई रीवावंशी नहीं हो जाता, रीवावंशियों वाले काम भी करने पड़ते हैं। तुम्हारा काउंटर देना जरूरी है का? हम कहीं यहाँ लिट्टी चोखा बना रहे हैं? तो काम बताओ ना, हम 2 मिनट में इसे काच 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 कर देंगे काम को, सिर्फ काम बताओ। राक्षस को ढूंढना है, ढूंढो। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.